हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द साइंस ऑफ क्लास सिक्स लेसन सेवन पेज नंबर 90 फंक्शंस ऑफ लीफ। फर्स्ट फंक्शन है मैन्युफैक्चरिंग फूड। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। पौधे अपना भोजन हरी पत्तियों में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल को जोड़ करके शुगर बनाते हैं और इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। देयरफॉर लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री फॉर द ग्रीन प्लांट्स। और इसी कारण से, क्योंकि पत्तियों के अंदर पौधों का भोजन बनता है, इसी कारण से पौधों की पत्तियों को फूड फैक्ट्री कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 91 पढ़ेंगे। अगला फंक्शन है ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर। लीव्स हैव स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन देयर लोअर सर्फेस। पौधे की पत्तियों के ऊपरी और निचली सतह पर छोटे छोटे होल पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। ये निचली सरफेस पर ज़्यादा होते हैं और ऊपर की सरफेस पर कम होते हैं। द एक्सेस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर इज इवेपोरेटेड थ्रू द स्टोमेटा। वह पानी जो पौधा जड़ से हमेशा एब्जॉर्ब करता है, ज़मीन से लेता है, वही पानी पौधे की पत्तियों के स्टोमेटा से भाप बनकर के बाहर निकलता रहता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। स्टूडेंट्स, जैसे तालाब में या कहीं भी पानी है, वह भाप बन करके उड़ता है, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। जबकि पौधे की पत्ती के स्टोमेटा से पानी की भाप बन करके बाहर निकलने को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। इससे पौधे का टेम्परेचर भी कंट्रोल रहता है और पानी जो होता है हमेशा जड़ें एब्जॉर्ब करती रहती हैं। इसका नुकसान ये है कि पानी ज़्यादा मात्रा में भाप बन करके बाहर निकलता है, तो ये एक नुकसानदायक प्रक्रिया भी होती है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी होता है, क्योंकि इसी के कारण पानी हमेशा ऊपर चढ़ता रहता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के कारण। ट्रांसपिरेशन के कारण पौधे का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कंट्रोल रहता है, तो ये इम्पॉर्टेंट भी है। अगला है गैसेस एक्सचेंज। लीव्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ गैसेज इन नेचर बाय एक्सचेंजिंग गैसेज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। पौधे रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में, इन दोनों प्रोसेस के द्वारा एटमॉस्फेयर की एयर से एक्सचेंज करते रहते हैं। फोटोसिंथेसिस के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रिस्पायरेशन के समय यही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी निकालते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं लेकिन बदले में ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो रिस्पायरेशन प्रोसेस में पौधे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा से बाहर निकालते हैं, जबकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। अब क्योंकि पौधे दिन के समय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, यही कारण है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस एक निश्चित अनुपात में हमेशा बना रहता है। लगभग 21% ऑक्सीजन पाया जाता है और इस कांस्टेंट रेशियो का यही कारण है कि पौधे हमेशा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन को निकालते रहते हैं। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इंटर द लीव्स एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट। फोटोसिंथेसिस के समय कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से पत्ती के अंदर लिया जाता है और ऑक्सीजन को स्टोमेटा से बाहर कर दिया जाता है। वेयर एज ड्यूरिंग रेस्पायरेशन ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। जबकि रेस्पायरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से पौधे लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा से बाहर निकालते हैं। अगला फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड। इन सम प्लांट्स लीव्स आल्सो मॉडिफाई टू स्टोर फूड। कुछ पौधे की पत्तियां भोजन को अपने अंदर स्टोर करने का भी काम करती हैं। स्टूडेंट्स, जैसे ब्रायोफिलम लीफ है, आपने देखा होगा अपने स्कूल गार्डन में, ये बहुत ज़्यादा है, तो ये भी फूड स्टोरेज का काम करती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, बहुत सारी पत्तियाँ जो हम लोग खाने के रूप में खाते हैं, जैसे पालक हो गया और भी बहुत सारी पत्तियाँ हो गई, तो इसमें भी फूड स्टोर रहता है। अगला फंक्शन है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इन सम प्लांट्स लीव्स बियर बर्ड्स इन द मार्जिनल नॉचेस फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ग्रो एंड डेवलप। कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जिनमें पत्तियों की बनी हुई खांचों के अंदर बर्ड्स पाई जाती हैं और ये बर्ड्स नए पौधे को बनाती हैं। तो इस तरीके से जब कोई नया पौधा सीड के बजाय किसी अन्य पार्ट से ग्रो करता है, तो इसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।
तो पत्तियों से कभी कभी नए पौधे उगते हैं, जैसे ब्रायोफिलम में, बिगोनिया में। तो इसे ही हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। स्टूडेंट्स, नीचे फन टाइम दिया गया है, टू ऑब्जर्व दैट ऑक्सीजन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें ये दिखाना है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। फिल ए जार विद वाटर, सबमर्ज ए लीफ कम्प्लीटली इन जार। हम एक जार लेते हैं जिसमें पानी भरा होता है और उसमें हम एक पत्ती डाल देते हैं, हरी पत्ती को। प्लेस द जार इन डायरेक्ट सनलाइट फॉर 1 आवर। और इस जार को जिसमें पानी के अंदर पत्ती रखी हुई है उसे हम 1 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं। आफ्टर 1 आवर एग्जामाइन द सबमर्ज्ड लीफ विथ ए मैग्नीफाइंग ग्लास। अब 1 घंटे बाद या कुछ घंटे बाद हम पत्ती को देखते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से। यू विल ऑब्जर्व टीनी बबल्स ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ। दीज टीनी बबल्स आर द ऑक्सीजन विच इज़ रिलीज्ड बाई द लीव्स। आपको हवा के छोटे छोटे बुलबुले पत्ती के किनारों पर दिखाई देंगे। ये एक्चुअल में ऑक्सीजन होती है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बाहर आती है। स्टूडेंट्स, आगे है, व्हाट हैव यू लर्न्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द स्टॉक ऑफ द कंपाउंड लीफ कॉल्ड, तो रैकिस, RACHIS। अगला क्वेश्चन है, नेम द बर्ड दैट गिव्स राइज टू फ्लावर, फ्लोरल बर्ड, फ्लोरल बर्ड। थर्ड क्वेश्चन है, बाय विच प्रोसेस डू लीव्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ गैसेज इन नेचर, तो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस है। अगला है, नेम ए लीफ दैट हैव पैरेलल वेनेशन, बनाना लीफ में। नेम ए प्लांट हुज लीव्स आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट, तो पिचर प्लांट इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग है फ्लावर। फ्लावर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द स्पीसीज ऑफ प्लांट। स्टूडेंट्स, प्लांट की जितनी भी स्पीसीज होती हैं, ज़्यादातर स्पीसीज में जो रिप्रोडक्शन होता है, सीड फॉर्मेशन होता है, या फ्लावर से ही होता है। स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारे पौधे देखे होंगे, जैसे हमारे आसपास सरसों होता है और बहुत सारे पौधे होते हैं, तो इसमें पहले फ्लावर लगता है और फिर फ्लावर के बाद उस फ्लावर में सीड बनता है। तो ये मल्टीप्लीकेशन का एक बहुत ही अच्छा मीन होता है। दो दे वेरी इन शेप, साइज, कलर एंड फ्रेग्रेंस, येट दे हैव सम कॉमन पार्ट्स और फीचर्स। जितने भी पौधे होते हैं अलग अलग स्पीसीज के, सब में फ्लावर, किसी का शेप अलग होता है, किसी का साइज अलग होता है, किसी का कलर अलग होता है, कोई खुशबूदार होता है, तो हर पौधे का फ्लावर अलग अलग होता है, लेकिन इनके जो भाग हैं, जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, वो एक जैसे होते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे प्लांट की स्पीसीज जो होती हैं सब अलग अलग होती हैं, हम अलग अलग पौधों को देख के पहचान सकते हैं कि ये किस चीज़ का पौधा है, लेकिन हर पौधे में रूट होती है, स्टेम होता है, लीव्स होती हैं, ये पार्ट्स हर पौधे में होता है। ऐसे ही फ्लावर भले ही अलग अलग देखने में हों, लेकिन फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं। तो अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर समझेंगे हम। पहला है पेडिसिल, द स्टॉक ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसिल एंड द अपर मोस्ट स्वॉलन पार्ट ऑफ द पेडिसिल इज कॉल्ड द थैलमस। स्टूडेंट्स, आपने फ्लावर देखा होगा, फ्लावर फूल जो होता है एक डंठल के ऊपर उगता है, तो ये जो डंठल होता है फ्लावर का, फूल का जो डंठल होता है, उसे हम पेडिसिल कहते हैं। और इस डंठल का सबसे ऊपरी हिस्सा जिससे फ्लावर लगा होता है, वह हिस्सा थोड़ा सा फूला होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, उस पार्ट को हम कहते हैं थैलमस। अगला है सेपल, द आउटर मोस्ट ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर कमिंग आउट ऑफ द थैलमस इन फ्लावर आर कॉल्ड सेपल, दे प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज। स्टूडेंट्स, जब कोई फ्लावर कली के रूप में होता है, बड के रूप में होता है, आप उसको देखो, एक पेडिसिल के ऊपर जो फ्लावर होता है वो एक हरे रंग की पत्तियों जैसी रचना में बंद होता है। इस हरे रंग की जो पत्ती जैसी छोटी छोटी रचनाएं होती हैं, जो बड के बड को ऊपर से कवर किए रहती हैं, इसे प्रोटेक्ट करती हैं, इसे हम कहते हैं सेपल। और जब पौधा, जब फूल पूरा खिल जाता है तो ये खुल जाती हैं, पत्तियाँ खुल जाती हैं, लेकिन बड स्टेज में ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं। अगला है पेटल, दीज आर लीफ लाइक कलर्ड पार्ट्स नेक्स्ट टू द सेपल। सेपल के बाद जो पत्तियों जैसी कलर्ड स्ट्रक्चर होती है, स्टूडेंट्स जैसे अलग अलग फ्लावर्स होते हैं अलग अलग रंग के होते हैं, कोई सफ़ेद होता है, कोई पीला होता है, कोई वायलेट कलर का होता है, तो फ्लावर बहुत कलर के होते हैं। तो ये जो फ्लावर का कलर्ड पार्ट होता है, पत्तियों जैसा जो रंगीन भाग होता है जिसके कारण उस फूल का रंग होता है, उसी पार्ट को हम कहते हैं पेटल। मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स हैव पेटल्स विच गिव फ्रेग्रेंस। ज़्यादातर फूल जो खुशबूदार होते हैं
उसमें जो पेटल्स होते हैं ये कलर्ड होते हैं, इनमें महक होती है। दीज पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट, और ये पेटल्स ही अपने रंग के कारण या अपने फ्रेगरेंस, अपनी महक के कारण कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। स्टूडेंट्स, अगला पार्ट, अगला पेज हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।